दोस्तों भारत की अगर बात करें तो कुछ सालों पहले तक यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों का ही राज होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह आंकड़ा पूरी तरह से बदल चुका है। आज भारत के अंदर लोग सबसे ज्यादा साउथ इंडियन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जबरदस्त कामयाबी के पीछे अच्छी कहानी, जबरदस्त एक्शन और फिल्म के हीरो की शानदार एक्टिंग का हाथ माना जाता है। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इस कामयाबी में जितना हाथ फिल्मों के नायकों का है, उतना ही फिल्म की नायिकाओं यानी कि एक्ट्रेसेस का भी है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली टॉप 10 एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर मौजूद हैं साई पल्लवी। दरअसल साई पल्लवी एक ऐसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं जो कई सारी फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। और साल 1992 में जन्मी पल्लवी ने अपने करियर में भले ही बहुत ज्यादा फिल्में न की हों, लेकिन अपनी हर फिल्म में वह अलग ही छाप छोड़ जाती हैं। और यही वजह है कि भारत में उनके करोड़ों फैंस उनकी फिल्मों के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पल्लवी तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं और वह एक जबरदस्त एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक शानदार डांसर भी हैं और वह कई सारे मशहूर डांस टेलीविजन शो में भी हिस्सा ले चुकी हैं। इसके साथ ही अपनी लाजवाब एक्टिंग के लिए वह 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से मोस्ट फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के लिस्ट में नंबर 9 पर हैं तापसी पन्नू। तापसी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही साथ बॉलीवुड में भी काफ़ी फेमस हैं। और साल 1987 में जन्मी तापसी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक तेलुगु फिल्म से साल 2010 में की थी और वह हिंदी और तेलुगु सिनेमा के अलावा भी तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। और उनकी बेजोड़ एक्टिंग के लिए उन्हें हर फिल्म इंडस्ट्री में ही काफ़ी सराहा और पसंद किया जाता है। और इसके साथ ही वह एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम 4 अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर अपनी जगह बनाई है त्रिशा कृष्णन ने। त्रिशा कृष्णन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं और अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए वह सिर्फ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही जानी जाती हैं। दरअसल साल 1983 में जन्मी त्रिशा को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली थी जब उन्होंने साल 1999 में मिस मद्रास का कॉन्टेस्ट जीता था और उसी साल उन्होंने अपने फिल्मी करियर की भी शुरुआत कर दी थी। और अपने इस जबरदस्त एक्टिंग करियर में वह तमिल और तेलुगु फिल्मों के अलावा एक हिंदी फिल्म में भी काम कर चुकी हैं और वह साल 2010 में आई एक बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म खट्टा मीठा में अक्षय कुमार के साथ में नजर आई थी। और अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर वह साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। और दोस्तों लिस्ट में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ें तो फिर मोस्ट फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 7 पर हैं हंसिका मोटवानी। दोस्तों हंसिका मोटवानी को आप में से बहुत से लोग उनके फिल्मों में आने से पहले ही जानते होंगे, क्योंकि साल 1991 में जन्मी हंसिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2000 के एक मशहूर टेलीविजन शो शाकला का बूम बूम से कर दी थी। और इसके बाद से वह साल 2003 में आई ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म कोई मिल गया में एक बाल कलाकार के तौर पर भी नजर आईं। और फिर हंसिका ने एक हीरोइन के रूप में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत डेशा मुरुदु नाम की एक तेलुगु फिल्म से की थी जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह थी कि इस पहली फिल्म के समय हंसिका की उम्र मात्र 15 साल थी और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर हंसिका तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम जैसी कई सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर चुकी हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से रश्मिका मंदाना आज की हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर हैं। रश्मिका मंदाना को इस समय साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार किया जाता है और वह एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत ही कम फिल्मों में काम करके ही कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच चुकी हैं। और इस समय वह तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा में काम करने वाली सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं। दरअसल साल 1996 में जन्मी रश्मिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2016 में क्रिक पार्टी नाम की एक फिल्म से की थी
और अपनी पहली ही फिल्म के जरिए उन्होंने कई सारे बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम कर लिए थे। साथ ही उनकी गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब फिल्मों में शुमार किया जाता है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर हैं अनुष्का शेट्टी। अनुष्का शेट्टी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और सबसे अनुभवी अभिनेत्रियों में से एक हैं। दरअसल साल 1981 में जन्मी अनुष्का ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2005 में सुपर नाम की एक तेलुगु फिल्म से की थी और अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्होंने एक फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। और अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर वह तमिल और तेलुगु सिनेमा की बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसमें कि बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म भी शामिल है। इसके साथ ही अनुष्का को भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में भी शुमार किया जाता है और लोग उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा की लेडी सुपरस्टार कहकर बुलाते हैं। और दोस्तों मोस्ट फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 4 पर हमने रखा है श्रुति हसन को। अब अगर आप साउथ इंडियन फिल्में देखना पसंद नहीं भी करते होंगे, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में तो जरूरी जानते होंगे। श्रुति हसन भारतीय सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार कमल हासन की बेटी हैं और एक शानदार एक्ट्रेस होने के साथ ही श्रुति एक बहुत ही बढ़िया प्लेबैक सिंगर भी हैं। दरअसल साल 1986 में जन्मी श्रुति ने फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से अपना एक्टिंग करियर बचपन में ही एक बाल कलाकार के तौर पर शुरू कर दिया था और फिर एक नायिका के तौर पर उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की साल 2009 में आई बॉलीवुड फिल्म लक से। और अब तक अपनी जबरदस्त एक्टिंग के दम पर वह हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुकी हैं और इसीलिए श्रुति की गिनती इस समय साउथ इंडियन सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में की जाती है। और दोस्तों लिस्ट में नंबर 3 पर अपनी जगह बनाई है तमन्ना भाटिया ने। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि तमन्ना भाटिया इस समय साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे खूबसूरत और होनहार अभिनेत्रियों में से एक हैं और अपने एक्टिंग करियर में वह कई सारी बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में भी दे चुकी हैं, जिसमें कि बाहुबली जैसी फिल्म का नाम भी शामिल है। दरअसल साल 1989 में जन्मी तमन्ना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2005 में आई बॉलीवुड फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से की थी और हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में काम करते समय तमन्ना की उम्र महज 15 साल की थी। और इसी तरह से मेहनत और लगन से काम करते हुए वह हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपनी शानदार एक्टिंग की गहरी छाप छोड़ चुकी हैं और यही वजह है कि आज उनकी गिनती साउथ इंडियन सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में की जाती है। और दोस्तों मोस्ट फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 2 पर कोई और नहीं बल्कि काजल अग्रवाल हैं। दरअसल काजल अग्रवाल की गिनती इस समय साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में की जाती है और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती की वजह से भी वह करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करती हैं। काजल का जन्म 1985 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2004 में आई एक बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना से की थी, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार बहुत ही छोटा था और फिर इसके बाद ही उन्होंने अपना रुख तेलुगु फिल्मों की तरफ कर लिया और फिर तेलुगु फिल्मों में उनका करियर लक्ष्मी कल्याणम नाम के एक फिल्म से शुरू हुआ और फिर अपनी पहली फिल्म हिट हो जाने के बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बड़ी बड़ी हिट फिल्में देती गईं। और आज अपनी बेजोड़ एक्टिंग के जरिए काजल अग्रवाल साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी एक अलग ही मुकाम बना चुकी हैं। हालांकि दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं मोस्ट फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के लिस्ट में नंबर 1 पर राज करने वाली एक्ट्रेस सामांथा रुथ प्रभु के बारे में। सामांथा इस समय साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध और सबसे कामयाब अभिनेत्रियों में से एक हैं और अपनी बेमिसाल एक्टिंग का नमूना वह कई सारी बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में दिखा चुकी हैं। अब बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि सामांथा साउथ इंडियन सिनेमा के जाने माने एक्टर नागा चैतन्य की पत्नी हैं और दोनों ने साल 2017 में शादी की थी। दरअसल साल 1987 में जन्मी सामांथा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में आई एक तेलुगु फिल्म से की थी और अपनी इस पहली ही फिल्म से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। इसके बाद से वह एक के बाद एक बड़ी बड़ी हिट फिल्में देती गईं और आज उनका नाम साउथ इंडियन सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों यह थी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की 10 सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस। इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद है
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।